जब हम दही में दूध को डाल देते हैं और पूरी रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो उस वो दही बन जाती है और केमिकल चेंज बन जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल राज ब्रदर। द सब्सटेंस कैन बी रिसीव प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ डिस्पोलेशन इज कॉल्ड द जिंग लेयर ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर हम किसी चीज को लोहे की चीज को खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसे हम रस्टिंग या जड़ लगना कहते हैं। इसे बचाने के लिए हम पेंटिंग प्रिवेंट फॉर रस्ट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विद आयरन। अगर हम इस चीज को बचाने के लिए पेंट किया जाता है या फिर रस्टिंग की वो जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दीप्ति सिस्टर। एन एल्युमिनियम मेटल इज बीटन ऑन थिन शीट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जब हम एल्यूमिनियम को पीट पीट कर चादर जैसा कर देते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अंकुश ब्रदर। इन कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक व्हेन कैंडल बर्न एंड इट्स स्टार्ट टू मेल्ट एंड इट्स शेप। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। आफ्टर बर्निंग स्मोक इज प्रोड्यूस। दिस स्मोक इज CO2 गैस एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं जो में मोम गिर रहा है वो है फिजिकल चेंज, और जो स्मोक यानी धुआं जो फैल रहा है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। थैंक यू नमस्ते। व्हेन वी कटिंग द पेपर एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज फिजिकल चेंज। जब भी हम कागज को दो टुकड़ों में काटते हैं हमें उससे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता, दिस इज फिजिकल चेंज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। व्हेन वी ईट स्पाइसी एंड ऑयली फूड आवर स्टमक आर नॉट डाइजेस्टेड, वी कैन फील एसिडिटी इन स्टमक। द वेज आर यूटिलाइज इट, वी कैन रिलीव फ्रॉम एसिडिटी, वी कैन टेक अ वॉटर एंड अ बेस, वी कैन दिस इज अ बेस एंड ड्रिंक इट। द वेज आर न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।